जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आयल्स के ऊपर काफ़ी बातें मैं कर चुका हूँ, आयल्स लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के ऊपर मेरे कंटेंट्स आ चुके हैं। तो मेरा चैनल है खुरम जिंजुआ, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और आयल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि विच वन इज़ राइट, ब्रिटिश काउंसिल और AEO। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आयल्स का जो टेस्ट है ये आपकी प्लानिंग का टेस्ट है, ठीक है, आपकी एफर्ट का टेस्ट है। एक सेट टाइम लिमिट के अंदर आपने प्रोड्यूस करना है लिसनिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को और स्पीकिंग को। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं जी कि ब्रिटिश काउंसिल नंबर नहीं देती, AEO नंबर नहीं देती। भाई देखें, नंबर आपने खुद लेने हैं, ठीक है। इफ़ यू आर ए गुड लिसनर नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स, इफ़ यू आर ए गुड स्पीकर नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स। सो जितना अच्छा आप बोलेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे, जितनी अच्छी रीडिंग करेंगे या लिखेंगे, उतने अच्छे बैंड्स आपको मिलेंगे। तो इस कन्फ्यूजन से निकलें कि ब्रिटिश काउंसिल ठीक है या AEO ठीक है। आपको खुद ठीक होना है, ठीक है। बोथ ब्रिटिश काउंसिल एंड AEO आर ऑथराइज टू कंडक्ट टेस्ट इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। ब्रिटिश काउंसिल और AEO दोनों ऑथराइज हैं, और आप किसी से भी टेस्ट के लिए अपीयर हों, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, और कभी भी इस मौक़ से पीछे ना हटिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करेंगे, आप कभी भी अच्छे बैंड्स नहीं ले सकते। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।